नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती ने 3 વાગ્યાના મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગની પલટી, પહેલા વરસાદની આગાહી પરત ખેંચી હતી અને હવે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે। 25 અને 26 મે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી, રાજસ્થાન પર અપર એર સર્ક્યુલેશન સક્રિય, 48 કલાક બાદ રાજ્યમાં ફરી તાપમાન વધશે। अभी पूरी गुजरात में अगले 5 दिन में मोस्टली सारे जगहों में ड्राई होने का संभावना है, लेकिन साउथ गुजरात रीजन में कल और परसों कहीं एक आध जगह में आइसोलेटेड रेन होने का संभावना है, थंडरस्टॉर्म भी हो सकती है। अभी एक अपर एयर सर्कुलेशन साउथ वेस्ट राजस्थान का ऊपर है, उसका जो एक्सटेंडेड ट्रफ है, ट्रफ अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन तक एक्सटेंड हुआ है, इसके कारण से जो मॉइस्चर आ रहा है और क्लाउड बन रही है तो कहीं जगह में छुटक पुटक होने का, बारिश होने का संभावना है। और टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर मोस्टली आज भी कल जैसे था आज भी ऐसे ही रहेगा, और कल से क्लाउड जैसे क्लियर होगा टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ने का संभावना है, 1 से 2 डिग्री तक, 3 डिग्री तक भी बढ़ सकते हैं। अहमदाबाद में अभी जैसे 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, आज भी अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और उसका बाद परसों और नरसों यानी 26 और 27 तारीख को, 25 26 तारीख को टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ने का संभावना है।